माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, सबसे पहले तो मैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्माननीय जेपी नड्डा जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। सम्माननीय हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे रक्षा मंत्री सम्माननीय राजनाथ सिंह जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। और हमारे पर्यवेक्षक महामंत्री हमारे सम्माननीय विनोद तावड़े जी, उपाध्यक्ष हमारी बहन सरोज जी, उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं। और जिन्होंने नाम का प्रस्ताव किया हमारी पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री माननीय वसुंधरा राजे जी का भी धन्यवाद देता हूं। और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का भी मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे प्रभारी माननीय अरुण सिंह जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे चुनाव के प्रभारी माननीय प्रहलाद जोशी जी, बहन विजय राठकर जी, हमारे संगठन के महामंत्री माननीय चंद्रशेखर जी और मैं, मेरे साथ उप मुख्यमंत्री बहन दिया जी और प्रेमचंद जी वैरवा जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। और स्पीकर के रूप में जिनका लंबा अनुभव है ऐसे वासुदेव जी देवनानी जी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं कि राजस्थान की ये जो टीम है, राजस्थान के जो सभी हमारे विधायक हैं, निश्चित रूप से जो राजस्थान की अपेक्षा है हमसे, भारतीय जनता पार्टी से, हम माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम राजस्थान का पूरी तरह से सर्वांगीण विकास किसी भी क्षेत्र में हो निश्चित रूप से हम पूरा करेंगे। ये मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार।